हेलो फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशिक, सबास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, रोज़ मिल्क फालूदा। बहुत ही इजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी और इफ्तार के वक्त इसे ज़रूर सर्व कीजिए दस्तरखान पे। लेकिन रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिसके वजह से आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए बनाते हैं रोज़ मिल्क फालूदा। रोज़ मिल्क फालूदा बनाने के लिए आधा लीटर दूध को बॉईल करके ठंडा करके रख लिया है, साथ ही लिया है फालूदे का एक पैकेट। ही आपको रमज़ान में इजीली मार्केट में मिल जाएगा रेडीमेड। आधा कप रोज़ सिरप, रोज़ सिरप में आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने रो अफ़ज़ा लिया है। 2 टेबल स्पून रोज़ पेटल, 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे कुछ आइस क्यूब्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क जो हमने बॉईल करके ठंडा करके रख लिया था। तो ये लीजिए, ये मिल्क हो गया इसमें ऐड। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ सिरप। तो ये लीजिए, ये रोज़ सिरप हमने कर लिया इसमें ऐड। ध्यान रहे, रोज़ सिरप में ऑलरेडी शुगर एडेड होता है, तो इसमें हमें शक्कर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आपको मीठा चाहिए, कम या ज़्यादा, आप उस हिसाब से रोज़ सिरप ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे फालूदा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, फालूदा रमज़ान में मार्केट में अवेलेबल है, आपको ईज़िली कहीं पर भी मिल जाएगा। तो लीजिए, फालूदा भी मिला लिया। अब इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे रोज़ पेटल। तो ये लीजिए, ये ऐड कर लिया हमने। बस इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए हमें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये लीजिए, ये मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, इफ्तारी तक ये रेडी हो जाएगा। तो रोज़ मिल्क फालूदा ठंडा हो चुका है, अब इसे सर्व करेंगे इफ्तारी में। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिसके वजह से आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी रमज़ान।